क्लास नाइन्थ केपी के चैप्टर नेम फैक्टराइजेशन और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 है कि फैक्टराइज करना है हमने इसमें जो एक्सप्रेशन है वो है एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर और -120। तो इसकी क्या टेक्निक होगी फैक्टराइजेशन की, इसके लिए हम इस बात को देखेंगे कि इसमें जो ये लीनियर फैक्टर्स गिवन है इनमें हर वो दो लीनियर फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मतलब ग्रुपिंग इनकी इस तरह से करेंगे हम कि जिनके कॉन्स्टेंट्स का सम एक जैसा हो। यानी जैसे अगर हम एक्स प्लस वन है, ठीक है, तो इसके एक्स प्लस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके कॉन्स्टेंट्स का सम बनता है 1 प्लस 4 5, और 2 और 3 को अगर आप देखें तो इनका सम भी बनता है 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट जो है वो लगा रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि इन दोनों की जो भी प्रोडक्ट का आंसर होगा उस ब्रैकेट के अंदर आएगा, और इस तरह एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री जो है इनका जब प्रोडक्ट लिया जाएगा तो इनका जो प्रोडक्ट का आंसर है वो इस ब्रैकेट में होगा, जबकि -120 जो है वो एज इट इज रहेगा। अब इनके प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, देखें एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, एक्स फोर से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, और 1x से मल्टीप्लाई होगा तो 1x, तो 4x और 1x 5x हो जाएंगे, ठीक है, और 1 4 से मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा। जबकि इस तरफ को अगर आप देखें तो एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर, और एक्स थ्री से मल्टीप्लाई होगा 3x, फिर 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x और 3x ऐड होकर 5x आ जाएगा, और फिर लास्ट में 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो वो 6 आ जाएगा प्लस का, ठीक है, जबकि -120 एज इट इज। अब अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x दोनों फैक्टर्स में कॉमन है, इसे हम एक न्यू वेरिएबल से रिप्लेस कर लेते हैं, इसको हम सपोज कर लेते हैं वाई के इक्वल, तो यही जो फैक्टर्स हैं ये इस तरह से लिखे जाएंगे, वाई प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 और -120, ठीक है। अब अगर हम इसको फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, वाई को मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट में तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई, ठीक है, फिर 4 को अगर मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट में तो 4y+24 आ जाता है, और -120, और अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये वाई स्क्वायर प्लस 10 वाई, और 120 में से 24 को अगर माइनस किया जाए तो ये 96 आ जाता है, माइनस का 96 आ जाता है। अब हमने इनकी जो है मिड टर्म ब्रेक करनी है, हमने इसको इस तरह से फैक्टराइज करना है कि हमें जो सम है मतलब जो इनका सम है वो माइनस में मिल जाए, प्लस में 10 वाई आए, और इनका प्रोडक्ट जो है वो आना चाहिए कितना जी, 96y², ठीक है। तो इसके लिए हम इसकी वर्किंग कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ से बल्कि कॉपी करता हूँ और आपसे भी शेयर करता हूँ। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि हम लिखेंगे y² + 16y, ठीक है, और -6y, -96। अगर आप 16y में से 6y को माइनस करें तो 10y आता है, और अगर 16y को -6y से मल्टीप्लाई करें तो -96y² आता है, ठीक है। अब पहली दो टर्म में से आप y कॉमन ले सकते हैं, विद इन ब्रैकेट y+16 आ जाएगा, और लास्ट टू टर्म में से आप -6 कॉमन ले सकते हैं, विद इन ब्रैकेट y+16 आ जाएगा, ठीक है। अब y+16 को आप कॉमन ले लें तो विद इन ब्रैकेट जो दो सेकंड फैक्टर बनेगा वो y-6 आ जाएगा। अब आपने y की जगह क्या पुट करना है, y की जगह आपने x² + 5x जो है वो लिखना है, तो x² + 5x यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है, और +16 आएगा, और इसके साथ जो दूसरा फैक्टर है उसमें x² + 5x आएगा और -6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पहला फैक्टर है ये तो फैक्टराइज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 16 के फैक्टर देखे जाएं तो वो 1 एंड 16 भी आता है, 2 एंड 8 भी आता है, 4 एंड 4 भी आता है, लेकिन उनका सम 5 नहीं होता, इसलिए हम इसको तो फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है। हम जो सेकंड फैक्टर है उसे फैक्टराइज कर सकते हैं इस तरह कि हम इसे लिख सकते हैं x² + 6x - x, ठीक है, और -6, क्योंकि देखिए 6 के फैक्टर में 1 एंड 6 भी आता है, और अगर 6 में से 1 माइनस करो तो 5 आता है, और मल्टीप्लाई करो तो ये चूंकि 6x - x से मल्टीप्लाई होगा तो -6x² आएगा, जो कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है। और अगर हम इसके अब फैक्टर्स को क्विकली लिख लें, ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसके इन दो में से x को आप कॉमन ले सकते हो, x+6 आ जाएगा, और लास्ट में से -1 कॉमन ले सकते हैं, x+6 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स जो बनेंगे, फर्स्ट फैक्टर तो एज इट इज ही आएगा, x² + 5x + 16, ठीक है, और जो सेकंड है उसमें दो लीनियर फैक्टर आ रहे हैं, एक तो x+6 आ रहा है और एक x-1 आ रहा है। तो इसी के से ये जो गिवन एक्सप्रेशन था इसको हम कंप्लीट जो है वो फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है,
इस तरह से चलें, इसको मैं आंसर को यहाँ पे लिख देता हूँ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें लिखा हुआ है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, और इसमें जो इसका पार्ट वन है इसमें हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है वो एक्स क्यूब माइनस 17x+26 है, यानी इसे हम पी ऑफ एक्स के बराबर ले लेंगे। एक्स क्यूब माइनस 17x, बल्कि इस एक्स क्यूब के साथ लिखते हैं माइनस 17x और प्लस 26, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये जो है गिवन जो पॉलिनोमियल है इसमें जो कांस्टेंट टर्म है 26, अगर हम पॉसिबल फैक्टर 26 के देखें तो वो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, वो आ सकते हैं जी +-1, +-2, +- मतलब 6 को जो मुकम्मल डिवाइड करें नंबर हम वो लिखने जा रहे हैं, ठीक है, 13 और +-26, ठीक है। अब ये टोटल बनते हैं 8, इन 8 में से जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो 3 हैं इसके, ठीक है। उनमें से हम चलें एक सेलेक्ट करते हैं, हम देखते हैं कि अगर टेस्ट करते हैं कि अगर एक्स की जगह -2 पुट किया जाए तो क्या ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, और अगर ये 0 होता है तो इसका मतलब कि एक्स इक्वल टू -2 इसका 0 है और एक्स प्लस 2 जो है इसका फैक्टर है, ठीक है। यानी एक्स प्लस 2 जो होगा फिर देन इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक है जी। तो ये हम इस तरह से चेकिंग करेंगे, तो हम बाय फैक्टर थ्योरम ये टेस्ट करने जा रहे हैं कि रिमाइंडर क्या आता है, और रिमाइंडर अगर 0 आया तो बाय फैक्टर थ्योरम जो है ये जो डिवाइज़र है या ये जो वैल्यू हम ले रहे हैं एक्स की ये इसका 0 होगी, ठीक है। तो -2 का क्यूब लेंगे हम, -17 × 2 लिखे -2 लिखेंगे हम, ठीक है, और +26, तो -2 का क्यूब होता है -8, -(-)+34 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे आ रहा है +26, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है +26। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये 0 के इक्वल नहीं आएगा, यानी एक्स को 2 पुट करते हैं, अब उसको चेक कर लेते हैं कि क्या 2 लिखने से 0 आ सकता है, ठीक है। जहाँ पे एक्स लिखा हुआ है उसकी जगह अब हम क्या पुट करेंगे, +2, +2, तो अब 2 लिखते हैं और इसको टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 का क्यूब -17 × 2 और +26, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 17 × 2 = 34 और +26। अब 26 में अगर आप 8 ऐड करें तो ये बनता है 34 और -34, यानी कि ये कैंसिल हो जाएंगे और रिमाइंडर आएगा 0। अब यहाँ से हमें पता चला बाय फैक्टर थ्योरम कि एक्स जो -2 है, चूंकि अगर आप +2 को तो शिफ्ट करते हैं तो एक्स -2 जो है वो फैक्टर है, एक इज़ अ फैक्टर ऑफ जो ये गिवन पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, ठीक है। एक फैक्टर हमने फाइंड कर लिया, अब हमने इसके जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो डिवाइड करके भी हम निकाल सकते हैं, वो सिंथेटिक डिवीजन से भी हम निकाल सकते हैं, तो वो हम बाकी जो फैक्टर हैं वो फाइंड करते हैं इसके, या हम रेफरेंस के तौर पर लिख देंगे बाय फैक्टर थ्योरम। अब हम इसकी डिवीजन वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं एक्स क्यूब जो कि हमें डिविडेंड गिवन है, ठीक है, जिसको हमने फैक्टराइज करना है, और बाहर डिवाइजर लिख लेते हैं चूंकि फैक्टर इज अ डिवाइजर हुज रिमाइंडर इज 0, ठीक है। तो एक्स -2 से अब इसे डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर से हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे एक्स -2 को, यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब, और -2 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो -2x² आएगा, ठीक है। अब इसके साइन चेंज कर लेंगे हम यहाँ से, और ये जो टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, एक्स क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2x² -17x और +26। अब हम +2x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एक्स को, तो यहाँ पे +2x² आएगा, और -2 जब +2x से मल्टीप्लाई होगा तो +4x आएगा, ठीक है, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन, और ये कैंसिल हो जाएंगी पहली दो टर्म्स, मतलब पहली टर्म जो है इससे कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे दोनों नेगेटिव की हैं, ये -21 हो जाएगा एक्स और +26, ठीक है। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, चलें इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो करते हैं हम यहाँ पे, बल्कि एक करेक्शन कर लेते हैं कि -2 जब +2x से मल्टीप्लाई तो -4x आएगा, ठीक है, और यहाँ साइन प्लस प्लस का आएगा, अब बिगर वैल्यू माइनस की से माइनस साइन आएगा, 17 में से 4 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13x आएगा, ठीक है। यानी अब हम -13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स -2 को तो -13x आएगा, और -2 जब -13 से मल्टीप्लाई तो +26 हो जाएगा, ठीक है, इनके साइन चेंज होंगे, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो
रिमाइंडर अब जीरो आया, और ये जो एक्सप्रेशन आया है, क्वेश्चन आया है, ये बेसिकली इस एक्सप्रेशन का सेकंड फैक्टर है। यानी अगर हम इसे अब फैक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम इसको फिर इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसका एक फैक्टर आया एक्स माइनस टू, ठीक है, और जो दूसरा फैक्टर है इसका वो क्वाड्रेटिक है, ठीक है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और -13। अब ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता क्योंकि 13 जो है फर्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट में आता है -13। 13 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, वन एंड वो नंबर इटसेल्फ, तो उनकी सब्ट्रैक्शन 2 कभी नहीं आ सकती, इसलिए ये एज इट इज रहेगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। यानी इसी के से ये जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली हमने फैक्टराइज करना यहाँ पे सीख लिया। अब जैसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7, हमने इसे फैक्टराइज करना है, जिसमें लिखा हुआ है ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी पावर 4। इसको हमने कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो हम देख सकते हैं कि ये ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और बी को भी हम इस तरह लिख सकते हैं बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है। यानी यहाँ पे हमें फार्मूला कंप्लीट करना है। हम जानते हैं कि फार्मूला क्या है जी, अगर फार्मूला को हम स्टडी करें ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला को, तो उसमें आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 टाइम्स नहीं है, ठीक है, यानी इसमें अगर हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर लें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर लें, तो ये दोनों ऐड होकर 2a² b² हो जाएंगे, और इसको बैलेंस करने के लिए हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। अब यह जो चारों टर्म्स हैं, अगर हम इनको इनकी ये दो लाइक टर्म्स ऐड कर लें, ये इस तरह से लिखा जा सकता है कि ए स्क्वायर का होल स्क्वायर सेकेंड टर्म को आप बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड कर लें, तो ये 2 टाइम्स a² b² आ गया, ठीक है। यानी अब ये एक फार्मूला बन सकता है, और ये लास्ट में इसको आप ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, चूंकि दोनों की पावर 2 है। यहाँ पे फार्मूला क्लोज करें तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है, और जबकि ये ए बी का होल स्क्वायर है। तो अब आप एक फार्मूला और जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर है। तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसमें एक दफ़ा ऐड कर लेंगे ए बी को, और एक दफ़ा हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ए बी को। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है हमारा वो कंप्लीट हो जाता है, ये इसका फाइनल आंसर जो है हमारे पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड द क्वोशेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन 2x³ प्लस 4x² माइनस 6 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3। तो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस डिवाइजर की मदद से इस डिविडेंड को डिवाइड करना है, ठीक है, और देखना है कि इसमें जो हमारे पास क्वोशेंट और रिमाइंडर हैं वो क्या आते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम जो ब्रैकेट हैं वो पहले पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये ब्रैकेट मैंने लगाई है, और इसके अंदर जो है हम डिविडेंड को लिखते हैं, जो कि 2x³ और प्लस 4x² माइनस 6 है, जबकि डिवाइजर जो है वो लीनियर है x प्लस 3, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर अगर हम 2x से मल्टीप्लाई करें x प्लस 3 को, तो ये आता है 2x³, और 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x आ जाएगा, ठीक है। इनके साइंस को हम चेंज कर लेते हैं, और यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो सब्ट्रैक्शन है वो हो रही है 2x³ 2x³ से कैंसिल हो रहा है, 4x² पहले लिखेंगे हम पॉजिटिव साइन के साथ, फिर -6x लिखेंगे, और लास्ट में -6 लिखेंगे, ठीक है। अब x प्लस 3 को हमने अगर देखें तो प्लस मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि यहाँ पर x की पावर 1, और यहाँ पर हमें x² से मल्टीप्लाई किया था बेसिकली, यहाँ पर 2x² से, तो ये 6x² आता है। इसकी बल्कि मैं करेक्शन जो है वो भी कर लेता हूँ, आपसे स्क्रीन पे शेयर भी कर लेता हूँ कि ये 6x² है, ठीक है। तो जब ये 6x² होगा तो जाहिर बात है कि यहाँ पे जो ये दो टर्म्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, ये 6x² है, तो ये 4x² में से जब आप 6x² माइनस करते हैं तो बिगर वैल्यू जो है वो माइनस की है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -2x², ठीक है, और ये -6 जो है ये एज इट इज डाउन आ जाएगा। अब हम अगर यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और साथ में यहाँ पर अगर आप देखें तो x भी आएगा, चूंकि हमें 2x² चाहिए, -2x², ठीक है, तो x जब -2x से मल्टीप्लाई होगा तो -2x² आएगा, और प्लस 3 जब -2x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6x आएगा, ठीक है। अब
इनकी फिर सब्ट्रैक्शन होगी या साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसल, ठीक है। और यहाँ पे 6x+ का है और 6- का है, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप अगर देखें तो यहाँ पर 6x और यह बाहर डिवाइजर में x लिखा, आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से। तो x+3 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 6x आएगा, और +3 जब +6 से मल्टीप्लाई होगा तो +18 आएगा, ठीक है, यानी यहाँ पर माइनस साइन आएगा। अब इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 6x कैंसिल हो रहे हैं, 18 भी नेगेटिव है और 6 भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव के, तो ये माइनस का 24 आ जाएगा। तो ये जो माइनस का 24 आया ये बेसिकली रिमाइंडर है, ठीक है। और जो ये ऊपर एक्सप्रेशन आया है ये है कोशेंट, ठीक है। तो इस तरीके से कोशेंट और रिमाइंडर जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल x³ + 2x² - 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय, इसका ये ऑप्शन है x-1। तो देखें इसमें हम सबसे पहले जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो गिवन पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स के बराबर ले लेंगे, यानी x³ + 2x² - 3x और +1। अब हम इसमें रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है, और रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हम रिमाइंडर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में ये होता है कि आपने जो लीनियर डिवाइजर गिवन है उसको 0 के इक्वल पुट करना होता है और उसे एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। तो x-1 को 0 के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी 1। इसे आप इस गिवन पॉलिनोमियल जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें पुट कर लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब आप इसे पुट करेंगे तो P(1) का आंसर जो है वो रिमाइंडर होगा, यानी 1³ + 2 × 1² - 3 × 1 + 1, ठीक है। ये है आर, आर मीन रिमाइंडर, 1³ 1 होता है और 1² 1 होता है, 1 × 2 = 2, और -3 मतलब 1 से मल्टीप्लाई -3 और +1, ठीक है। अब 1+3 कितना होता है, सॉरी 1+2 = 3, 3 - 3 और उसमें हम ऐड करेंगे 1, यानी 3 3 से कैंसिल। तो रिमाइंडर जो हमारे पास आया वो क्या आया, आर रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 1 आया है, ठीक है। इसी तरीके से इसका जो पार्ट बी है उसके लिए हम इसी इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे, ठीक है। और उसके लिए जो हमें डिवाइजर गिवन है वो मैं अब आपसे स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। अब बी पार्ट में जो हमें डिवाइजर लीनियर गिवन है वो x+2 है, तो हम x+2 को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी -2, ठीक है। तो वो हम इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज कर लेते हैं, ठीक है, और इसकी रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हम रिमाइंडर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। P(-2) यानी कि -2³, ठीक है, +2 × -2² - 3 × -2 और +1। देखें P(-2) रिमाइंडर है, -2³ - 8 और -2² + 4, -×-+6 यानी 3 × 2 = 6 और +1, ठीक है। अब -8 + 2 = 4 = 8 + 7, 8 8 से कैंसिल, तो रिमाइंडर जो आएगा हमारे पास वो कितना आ रहा है जी, वो 7 आ रहा है। तो इसी के से ये प्रॉब्लम भी हमने अंडरस्टैंड किया, और इससे अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हम डिस्कस करते हैं जी। अब इसमें ये क्वेश्चन है इस तरह से कि बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है वो अगर मैं इसको पी ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखूं, ठीक है, तो वो है x कितनी है जी, 72, फिर -7 × x⁻⁸ है और +1 है। यानी अब इस पॉलिनोमियल को हम किससे डिवाइड करें, x+1 से, यानी कि जो लीनियर हमें डिवाइजर गिवन है वो x+1 है। हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, या यूं कह लेंगे x की वैल्यू हम निकालेंगे जब 0 के पुट करके, तो x की वैल्यू -1 आएगी। इसे हम इस गिवन एक्सप्रेशन में या गिवन जो पॉलिनोमियल है यानी इक्वेशन 1 है इसमें दर्ज कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो P(-1) जो है वो किसके इक्वल आएगा, -1 की पावर 72, ठीक है, फिर -7 × -1 की पावर 48 और +1। अब देखिए -1 की जो मर्जी पावर लो आंसर, मतलब 1 की जो मर्जी पावर हो आंसर 1 ही आता है। माइनस की पावर अगर इवन नंबर हो, चूंकि 72 एक इवन नंबर है, तो आंसर +1 आएगा, ठीक है। अब चूंकि -1 की पावर 48 है इसका आंसर भी +1 आएगा और +1, ठीक है, यानी 1 और 1 दोनों ऐड होके +2 हो जाएंगे और 7 × 1 = 7, 2 में से 7 माइनस करें तो -5 जो है हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम ये जो प्रॉब्लम है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं।